फिल्मी टॉक के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। बात करें आज की सबसे बड़ी अपडेट की तो डॉन फ्रेंचाइज के मेकर्स ने डॉन 3 की ऑफिशियल अनाउंसमेंट एक छोटे से टीजर के साथ कर दी है, जिसमें हमें रणवीर सिंह नए डॉन के कैरेक्टर में देखने को मिलेंगे। और वहीं बात करें इस अनाउंसमेंट टीजर की तो टीजर में ज्यादा कुछ तो दिखाया नहीं गया है, बस रणवीर सिंह को एक डायलॉग दिया गया है और मुझसे पूछो तो रणवीर सिंह डॉन के कैरेक्टर में मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगे। और वहीं उनके द्वारा बोला गया डायलॉग भी काफी ढीला सा लग रहा है। और वहीं कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कहा जा रहा है कि डॉन 3 में हमें रणवीर सिंह के अपोजिट कियारा आडवाणी लीड रोल में देखने को मिलेंगी। ऑफिशियल तो नहीं है तो देखना होगा कि इस खबर पर मेकर्स द्वारा ऑफिशियल कंफर्मेशन कब तक आती है। आपको बता दें, रणवीर सिंह डॉन 3 की शूटिंग संजय लीला भंसाली की फिल्म बैजू बावरा की शूटिंग खत्म करने के बाद स्टार्ट करेंगे, यानी कि मेकर्स डॉन 3 की शूटिंग मिड 2024 से स्टार्ट करेंगे और ये फिल्म हमें 2025 में देखने को मिलेगी। तो आपको रणवीर सिंह डॉन के कैरेक्टर में कैसे लगे हमें कमेंट में बताएं। मैं हूं डॉन। महेश बाबू की मच अवेटेड फिल्म गुंटूर कारम से दो अपडेट है। बात करें इसके पहले अपडेट की तो आज महेश बाबू के जन्मदिन पर गुंटूर कारम के मेकर्स ने गुंटूर कारम से उनके एक नए पोस्टर को रिलीज किया है। आप यहां पर इस पोस्टर को देख सकते हैं। इस पोस्टर में महेश बाबू का एक अलग ही स्वैग देखने को मिल रहा है। और वहीं बात करें दूसरे अपडेट की तो कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कहा जा रहा है कि गुंटूर कारम का पहला सॉन्ग हमें अगस्त के दूसरे या तीसरे हफ्ते में देखने को मिल सकता है। ऑफिशियल तो नहीं है तो देखना होगा कि इस खबर पर मेकर्स द्वारा ऑफिशियल कंफर्मेशन कब तक आती है। आपको बता दें, गुंटूर कारम एक एक्शन एंटरटेनर फिल्म होने वाली है, जिसे डायरेक्टर त्रिविक्रम श्रीनिवास डायरेक्ट कर रहे हैं। और वहीं इस फिल्म में हमें महेश बाबू के साथ मीनाक्षी चौधरी और श्री लीला जैसे कलाकार देखने को मिलेंगे। और वहीं महेश बाबू की ये फिल्म हमें 12 जनवरी 2024 को सिनेमा घरों में देखने को मिलेगी। वैसे आपको महेश बाबू का ये लुक कैसा लगा हमें कमेंट में बताएं। दिव्या खोसला कुमार की आने वाली मच अवेटेड फिल्म यारियां 2 का टीजर हमें कल देखने को मिलेगा। जी हां, मेकर्स ने ये पोस्ट डालते हुए बताया है कि यारियां 2 का टीजर हमें कल देखने को मिलेगा। आपको बता दें, यारियां 2 2014 में आई फिल्म यारियां का सिक्वल होने वाली है, जिसे डायरेक्टर विनय सपारू और राधिका राव ने डायरेक्ट किया है। और वहीं सीरीज में हमें दिव्या खोसला के साथ पल्लवी पुरी और मिजान जाफरी जैसे कलाकार देखने को मिलेंगे। और ये फिल्म हमें 20 अक्टूबर 2023 को सिनेमा घरों में देखने को मिलेगी। और 20 अक्टूबर 2023 को ही रवि तेजा की मच अवेटेड पैन इंडिया फिल्म टाइगर नागेश्वर राव भी सिनेमा घरों में देखने को मिलेगी। तो आप इन दोनों फिल्मों में से कौन सी फिल्म को पहले देखेंगे हमें कमेंट में बताएं। विजय देवरकोंडा की मच अवेटेड फिल्म खुशी के ट्रेलर को रिलीज किया गया है। बात करें इस ट्रेलर की तो ट्रेलर में हमें एक ऐसे कपल की कहानी देखने को मिल रही है, जो कि अलग अलग दुनिया से आते हैं और उनकी फैमिली उनके शादी के खिलाफ होती है, पर वो दोनों अपनी मर्जी से शादी करके एक घर में साथ में रहते हैं। अब शादी के बाद उनकी मैरिड लाइफ में कई तरह की प्रॉब्लम आती है। अब वो कपल शादी के बाद आने वाली इन कठिनाइयों का सामना कैसे करता है, ये हमें इस फिल्म में देखने को मिलेगा। मुझे ट्रेलर ठीक ठाक सा लगा है, तो देखना होगा कि ये फिल्म कैसी होती है। आपको बता दें, खुशी एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म होने वाली है, जिसे डायरेक्टर शिवा निर्वाणा ने डायरेक्ट किया है। और वहीं इस फिल्म में हमें विजय देवरकोंडा के साथ समंथा रुथ प्रभु लीड रोल में देखने को मिलेंगी। और वहीं विजय देवरकोंडा की यह फिल्म एक पैन इंडिया फिल्म होने वाली है, जो 1 सितंबर 2023 को तेलुगु के साथ तमिल, कन्नड़, मलयालम और हिंदी भाषा में सिनेमा घरों में देखने को मिलेगी। वैसे आपको खुशी का ट्रेलर कैसा लगा हमें कमेंट में बताएं। आपको क्या लगा मैं कौन हूं? मार्केट में तो मुझे ऐसे ही बदनाम कर रखा है, असल में मैं फेमिनिस्ट। हॉटस्टार की एक नई सीरीज द फ्रीलांसर का ट्रेलर रिलीज किया गया है। आपको बता दें, द फ्रीलांसर एक क्राइम थ्रिलर सीरीज होने वाली है, जिसे डायरेक्टर भाव दुलिया ने डायरेक्ट किया है। और वहीं सीरीज को बेबी, स्पेशल 26, एमएस धोनी जैसी फिल्मों के डायरेक्टर नीरज पांडे ने क्रिएट किया है। और वहीं सीरीज में हमें मोहित रैना के साथ अनुपम खेर और सुशांत सिंह जैसे कलाकार देखने को मिलेंगे। और वहीं बात करें इस सीरीज की कहानी की तो इस सीरीज की कहानी राइटर सुरेश थ्रोगाट की बुक ए टिकट टू सीरिया के ऊपर बेस होने वाली है, जिसमें हमें सीरिया में जबरदस्ती ले जाई गई लड़कियों के रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में दिखाया जाएगा। और वहीं ये सीरीज हमें 1 सितंबर 2023 से डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर देखने को मिलेगी। वैसे आपको द फ्रीलांसर का ट्रेलर कैसा लगा हमें कमेंट में बताएं। उंगली करोगे बहुत पछताओगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।